हेलो फ्रेंड्स आज बात करेंगे मैथ्स जो बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल सेट जारी किया गया है उसी के बारे में जो 2021 में बोर्ड होने एग्ज़ाम वा, होने वाले हैं देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे उससे पहले आप सभी को बता देना चाहते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकॉन को प्रेसला क्वेश्चन आपका है बानवे बटा एक का सरलतम रूप है तो पहले इसे सरलतम रूप में मतलब देखेंगे कौन सी संख्या से विभाजित है तो देखिए कि बानवे जो है तेईस और तेईस से विभाजित हो जाता है और एक सौ पंद्रह भी तेईस से विभाजित हो जाता है तेईस पच्चे होता है एक सौ पंद्रह और तेईस चौके होता है बानवे इसका मतलब आंसर हो जाएगा चार बटे पाँच तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ठीक ना अगला प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न है दो नंबर दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर तीन है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत शांत होगा तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं जो अंश और हर हर का परमे गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने के बाद देखते हैं अगर दो के पावर ए और पाँच के पावर ए के रूप में आ जाए तो उसे हम शांत जब दो का गुणनखंड कीजिएगा तो इसमें इलेवन आ जाता है ठीक ना तो ए भी नहीं होगा ना ही ये होगा और ना ही ये हो जाएगा ठीक ना ऑप्शन नंबर सी जब कीजिएगा तो दो के पावर ए इंटू पाँच के पावर ए के रूप में आ जाएगा इसका मतलब है कि यह इसका दशमलव प्रसार शांत होगा ठीक ना चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दिया है नंबर प्रश्न है डी बहुपद है डी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए के को का गुणनफल होता है तो शून्य पद में देखेंगे ए क्या है ए है हमारा डी और बी है बी और सी है ए तो शून्यकों का योगफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी वाई ए तो C का मान है हमारा A और A का मान है D मतलब A बाई डी हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर B में है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B ठीक है अगला प्रश्न देखेंगे पाँच नंबर प्रश्न है अंडर रूट अठारह का परमेकरण का गुणांक है अंडर रूट अठारह परमेकरण का गुणांक हो जाएगा अंडर रूट अठारह अगला प्रश्न देखेंगे सबसे छोटी आवाज संख्या क्या है तो ये एक आसान क्वेश्चन है सबसे छोटी संख्या दो है और आवाज संख्या से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है कौन इनमें से कौन है? इस पर संख्या वह संख्या होती है जो खुद से और एक से विभाजित होती है सात नंबर क्वेश्चन है कि यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर जहाँ ए और b क्या हो धनात्मक पूर्णांक हो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो आर का मान होगा बी से क्या होगा छोटा होगा ठीक ना ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में कौन परमय संख्या है यानी परमेय संख्या है अपरिमेय ना हो देखिए देखिए पहला ऑप्शन जो है अंडर रूट थ्री है जो रूट में रहता है उससे अपरिमेय संख्या है. और देखिए ये भी अपरिमेय संख्या ये भी अपरिमेय संख्या लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं पांच पांच कट जाएगा ठीक ना तो ये ये पाँच पाँच कट जाएगा बच जाएगा ठीक ना तो एक परिमेय संख्या है वैसा अंडर रूट में रहना चाहिए जो कि पूर्ण वर्गमूल ना हो ठीक ना जिसका वर्गमूल करने पर जिसका वर्गमूल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त ना हो उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या ठीक ना चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया है कि द्विघात बहुपद है ठीक ना एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस थर्टी फाइव के शून्यक होंगे या तो दो धनात्मक होंगे या दोनों ऋणात्मक या दो बराबर या धनात्मक एक दूसरा ऋणात्मक तो इसको पहले आप सोल्व करके भी चेक कर सकते हैं या अपने से बना चलिए सोल्व करके देखते हैं ये देखिए एक से स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस पैंतीस है इसको हम शून्य के बराबर कर देते हैं ठीक ना अब बताइए इसका फैक्टर कैसे तोड़ते हैं तो देखिए कैसे तोड़ते हैं ये जो होता है इसको गुना करते हैं इसमें एक्स के गुणांक से पैंतीस में गुना करते हैं तो गुना करने पर पैंतीस और देखिए साइन पैंतीस का क्या है जोड़ने पर जोड़ने पर जिस, जो इसका साइन है यहाँ पे देखिए लीजिए आप भी जोड़ने पर क्या आना चाहिए ट्वेल्व तो ये कब होता है यहाँ पे देखिए जोड़ने पर ट्वेल्व कब कैसे निकालेंगे यहाँ पे जीरो हो जाएगा ठीक ना अब देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर इसको तोड़ देते हैं प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन एक्स प्लस पैंतीस हो जाएगा ठीक है ना बराबर जीरो अब देखिए जोड़ने पर गुना करने पर पैंतीस और जोड़ने पर बारह आ जाएगा ठीक ना? तो इसमें से कॉमन हमारा निकल जाएगा एक्स बाहर हो जाएगा एक्स प्लस फाइव अंदर से आ गया प्लस सेवन कॉमन ले लेंगे एक्स प्लस फाइव हो जाएगा ठीक ना बराबर जीरो अब देखिए हो जाएगा एक्स प्लस सेवन और एक और हो जाएगा इन दोनों में से एक किसी को ले लेते हैं x प्लस फाइव बराबर जीरो ठीक ना अब बताइए क्या हो जाएगा x बराबर एक बार हो जाएगा माइनस सात एक बार हो जाएगा माइनस पाँच मतलब दोनों ऋणात्मक आए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं अगला निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है तो हम बताएं कि अंडर रूट में होना चाहिए लेकिन पूर्ण वर्गमूल नहीं होना चाहिए देखिए दोस्त 121 जो है पूर्ण वर्गमूल है 11 का वर्गमूल है ठीक ना न एक जो है 14 का वर्गमूल है अब देखिए 27 सताइस नहीं है ठीक ना पूर्व वर्गमूल नहीं है इसीलिए हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा और ए जो है सत्रह का पूर्ण वर्गमूल है इसीलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर ठीक है अगला प्रश्न देखेंगे एक दिया है बहुपद फाइव वाई स्क्वायर माइनस पच्चीस और इसके शून्यकों को निकालने के लिए दिया है ठीक ना तो देखिए इसके शून्यकों को निकालने किसी भी बहुपद को शून्य निकालने के लिए बोले तो उसे शून्य के बराबर कर देते हैं ठीक ना देखिए फाइव वाई स्क्वायर माइनस पच्चीस को हम शून्य के बराबर कर दिए इस पच्चीस को बराबर के उधर भेजते हैं माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा फाइव वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा पच्चीस अब देखिए पांच एक गुना में उधर जाएगा भाग में यहीं से कटा देते हैं पाँच पच्चीस यानी पाँच मरतबे में कट जाएगा वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा फाइव एक बार वाई स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा वाई बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट फाइव तो अंडर रूट फाइव को एक बार प्लस में लिख देते हैं प्लस अंडर रूट फाइव एक बार कमा लगा करके माइनस में लिख देते हैं अंडर रूट फाइव तो ऑप्शन सी हमारा राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है न अब देखते हैं बारह नंबर प्रश्न है बारह नंबर प्रश्न देखिए एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल तीन है और माइनस चालीस है मतलब क्रमशः दे दिया है मतलब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि योग और गुणनफल क्रमशः है योग तीन है और गुणनफल चालीस है तो देखेंगे योग और गुणनफल बहुपद है तो द्विघाती बहुपद है तो इनमें से कौन घात बहुपद है जिसका योग तीन हो और गुणन माइनस चालीस हो तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ठीक है तो देखिए एक्स स्क्वायर के जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा के इतना दिया है थ्री तो थ्री लिख देंगे x है तो x लिख देंगे अब क्या है 40 तो माइनस 40 है तो माइनस 40 लिख देंगे यही हमारा बहुपद हो जाएगा यानी ऑप्शन देख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस किस में है तो ऑप्शन ए में यो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सबको धीरे-धीरे समझते चलना है हैं। आप देखिए एक ऐसा दिया है युग्म समीकरण x प्लस 2y पराबर चार और 2x प्लस 4y पराबर आठ, ठीक ना? तो इसके कितने हल होंगे? ये एक सूत्र होता है a वटा a2 अगर b बराबर हो b1 वटा b2 के और बराबर हो c1 वटा c2 के, जब यहाँ पे देखिए ए का मान क्या है पहले युग में वन बाई टू अब देखिए दूसरे में क्या है दूसरे में पहले लिखते हैं इसको देखिए पहले में क्या है वन बाई टू ठीक ना वन बाई टू बराबर है किसके बी वन बी वन क्या है टू बाई फोर टू बाई फोर को हम लिख सकते हैं वन बाई टू ठीक है ना अब देखिए और है फोर बाई एट तो फोर बाई एट को भी हम लिख सकते हैं वन बाई यानि तीनों बराबर होते हैं जब तीनों बराबर होंगे तो अनगिनत हल अनेक हल होता है ठीक है ना ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अब देखिए चौदह नंबर जो प्रश्न है एक बहुपद है यदि एक बहुपद के दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक माइनस बी के शून्य एक दूसरे के बीक कर्म हो तो बी का मान क्या हो जाएगा तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा बी का मान असुविधा के लिए खेत दोस्तों माइक से साउंड कट जाने के कारण आगे का वीडियो बनाया गया था लेकिन उसमें साउंड नहीं आ पा रहा है इसीलिए अपलोड नहीं किया गया और जो भी अपलोड किया गया है अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आगे का पार्ट बनाया जाए कि नहीं अगर इसको बोर्ड पर बनाने के लिए बोलेगा तो हम इसको बोर्ड पर भी बनाएंगे धन्यवाद